वेलकम है न्यू ब्लॉग में। साफ सफाई हुई है इधर, फ्रिज देखने आई हूँ, फ्रिज में सब साग सब्जी है कि नहीं। कल ब्राह्मण भोजन करवाना है, सब्जी तो कुछ नहीं है, बस टमाटर है दो तीन। देख रहे हैं, मंगाना पड़ेगा। इधर चाय बन रही है, एकदम नींद में हो क्या? अंदर कूलर चल रहा है, उसकी बहुत तेज आवाज आ रही है, इसलिए अंदर नहीं जा रहे हैं। झाड़ू कहाँ है? सबसे पहले झाड़ू निकालना है। ए बाबू, हेलो जी, कैसे हो आप लोग? खाना ना मेरा बन गया शाम का, छोटू जी खा रहे हैं, इनके बाबा खा सब्जी रोटी, केला का ये टुकड़ा नहीं लेते हैं, ग्रेवी से खा लेते हैं। एक ठो की दो ठो लिया है, तो कल घर में ब्राह्मण का भोजन है, थोड़ा सा सर सामान ले आए हैं किचन का, अपने जो भी हो पाया है ले लिए हैं, जो नहीं हो पा रहा है उसके लिए क्या करूं। अभी थोड़ा सा सामान मंगाना है, छोटू को भेज रहे हैं, जाके लेके आएगा। इतना मेरे पास ये मूंग की दाल पड़ी थी, मूंग की दाल मंगाना है, जा रहा खाना खा ले, उसको भूख लगी है। केला की सब्जी है, सामान आया है। ये दाल मुझको नहीं पसंद आ रही है, पर आ गई है तब क्या करूँ। ये मिक्स वाली दाल है, इसमें मिक्स में क्या किया है ना कि सबसे ज़्यादा इसमें मटर की दाल भर के दे दिया है, मुझको बिल्कुल पसंद नहीं है ये दाल। देखो ज़्यादा ज़्यादा इसमें 90% मटर की दाल है, चना भी नहीं दिख रहा है। और ये सब दाल नुकसान भी बहुत करती है, इससे अच्छा तो हमारे दरवाजे पे आता है 100 रुपये में, 1.5 किलो देता है, मैं उसी से ले लिया करूँगी। सारी मटर की दाल है, एक भी चना नहीं दिख रहा है, पता नहीं किस हिसाब किताब से दिया है। देखो देखने से ही पता चल रहा है ना, सारी मटर की दाल है। देखो जो लो उठा, इसको हटा दो, ये टमाटर है और वो क्या कहते हैं अदरक, पता नहीं। बाघ बकरी, ये कल ब्राह्मण भोजन, कल क्या 4-5 दिन लगातार ही बना रहेगा, तो ये मेरी जिम्मेदारी हो गई है ना, मुझको करना पड़ेगा भाई, कहाँ से करूँ कैसे करूँ, इसकी जिम्मेदार मैं हूँ। ये कौन सी चाय पत्ती है देखो, ये पुरानी चाय पत्ती है, कौन सी है? ये सब सामान आया है, वहाँ टीवी के नीचे रखा डिब्बा उठा लो, चीनी रखा उसमें, वहीं ढक्कन भी रखा है धुल के, उसको कभी कभी सामान पसंद नहीं आता है, पर क्या कह रहा हूँ।
पर क्या करूं, चाय पत्ती मुझको मिली ही अच्छी लगती है, मिली चाय पत्ती का टेस्ट बहुत अच्छा आता है ना। दुकान पे कहाँ से आता एक भी सामान। दवाई नहीं लगा रहा है, हंसी आएगा ही। गाइस तो जो मैंने शॉपिंग बाज़ार की आपको दिखाया वीडियो, करीब करीब मेरी हो चुकी है, खाना हो चुका है, सोने वाले सो चुके हैं, खाना भी हो गया है, खा के तभी सोए हैं, मतलब हम लोग तो अभी जगेंगे। तुम नहीं खाए हो, तुमको नहीं पसंद आ रहा है, तुमको नहीं समझ में आ रहा है, तुम नहीं खाए हो, तुमको नाक बह रही है, लेकिन नाक पोछ रहे हो, बिस्तर पे कितना फैलना फैलाए वो, दिन भर बिस्तर पे गिरे थे, बिस्तर छोड़ के एक मिनट के लिए हटे नहीं। अब कह रही हो कहीं जाओ मत, अच्छा जाओ तो कहती हो घर में नहीं तो जहाँ रहता है आदमी वहाँ साफ सुथरा किए रहता है ना, ये थोड़ी है कि जैसे तैसे घर से ना निकल के लिए कोई घर से नहीं निकलना है, जो रहो तो घर में रहो, ये नहीं कहते घर में रहो तो लैट्रिन करके बैठे रहो उसी में, ठीक ना। अब शब्दों का प्रयोग मत करो, सब तुम चाहे जो करो, गंदौरा कहीं जा हमको भी दिखाओ। तो देव जी हैं, देव जी को बहुत बुरा लगता है ना कुछ कहो तो, कहते हैं शब्दों का ध्यान दो, शब्दों का मैं क्या ध्यान दूं, बिस्तर इतना फैला, चार पांच तकिया सब पैर के नीचे, हाथ के नीचे, टांग के नीचे, पूरा टोटल टाइम बिस्तर पे ही इसका बीता है। कहते थोड़ा आंगन में निकल के बैठो, कूलर के मुंह के पास ऐसे सट जाएगा, उल्लू की तरह पड़ा रहेगा। घर में रहने का क्या मतलब है भैया? काहे तुम्हारे नेट खत्म हो गया है क्या? ट्रेन वाला देख रहे हो? पढ़े देखो इंग्लिश वाला बुक रखा है। हाँ बुक रखा है कि कोई आए तो देखे कि देव पढ़ता है। तो गाइस वीडियो को बंद करते हैं, मिलते हैं आप लोगों को कल के वीडियो में, कल के ब्लॉग में। वीडियो लेट से ही जाती है पर अब मैं सोच रही हूँ जो भी रहे उल्टा सीधा मैं डालूं, क्योंकि वीडियो एकदम मेरी बेकार सी हो गई है। मैंने कहा कि कुछ प्रॉब्लम इस पे चैनल में आ गया है, एडसेंस में, अब क्या हो गया मुझको नहीं पता। मैं कहीं जाने वाली थी इसको दिखाने के चक्कर में, फिर वहाँ भी आजकल लगा ही है, कभी कुछ प्रॉब्लम तो कभी कुछ प्रॉब्लम, कभी जिनको देख मिलना है वही नहीं मिल रहते हैं। फिलहाल जो है ऐसे सीधा नहीं बैठ पा रहे हैं, दीवार से सटे थे। तो मिलते हैं फिर कल के वीडियो में, कल के ब्लॉग में। चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।